आम जनता के साथ मिलकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार, डेवलपमेंट चार्ज, कूड़ा चार्ज के नाम पर हो रही लूट और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर हुए सर्वे के खिलाफ नगर निगम के बाहर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। 11 बजे से शुरू हुआ यह धरना प्रदर्शन शाम 5 बजे तक चलेगा। पार्षद निर्मला चौहान ने बताया कि नगर निगम की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आज आम जनता को इन लोगों ने परेशान और इतना तंग कर दिया है कि आज जनता सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुई है, हम इनके साथ हैं। नगर निगम के हाउस में भी तानाशाही होती है। तानाशाही में हर एजेंडा पास कर दिया जाता है। एक फ्रॉड कंपनी जो पिछली बार भी यहां से करोड़ों रुपए लेकर गलत सर्वे कर गई, निगम के हाउस ने उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था। उसके बाद भी उस कंपनी को पूरे हरियाणा का टेंडर दे दिया जाता है। इससे तो यही माना जाए कि हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भ्रष्ट है जिन्होंने ऐसे लोगों को पाल रखा है। लोग सड़कों पर है, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर प्रॉपर्टी आईडी गलत कर दी गई है। मकान खरीदने से पहले भी सरकार से पूछो और बेचने से पहले भी सरकार से पूछो, ये कहां की स्वतंत्रता है। लोगों को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है। अपनी आवाज हमें उठानी पड़ेगी और लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी। इसलिए आज हम सड़क पर है। गलत सर्वे का खामियाजा जनता भुगत रही है। अपनी ही प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करवाने के लिए निगम को पैसा दो, अटल सेवा केंद्र पर धक्के खाए, अपनी प्रॉपर्टी आईडी को सही करवाने के लिए भी रिश्वत चल रही है। 10 से 15 हजार रूपए लेकर प्रॉपर्टी आईडी ठीक की जा रही है। उसके बाद कुछ लोगों के आधे मकान को अनअप्रूव्ड बताया गया है और आधे मकान को अप्रूव्ड। कचरा टैक्स के नाम पर जो लूट हो रही है, इसी के चलते आज हम धरने पर हैं। देखिए, निगम की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ आज यहाँ पर जो आम पब्लिक को तंग कर दिया है, लोग सड़कों पर आने को मजबूर हुए हैं, तो हम तो भाई इनके साथ ही है, हमें तो इनके साथ बैठना है, क्योंकि हाउस में भी तानाशाही हो रही है, किसी बात पर चर्चा नहीं होती और तानाशाही में हर कुछ पास कर दिया जाता है। एक फ्रॉड कंपनी, टोटल फ्रॉड कंपनी, जो पिछले बार भी यहाँ से करोड़ों रुपया ले गई थी गलत सर्वे करके, और हाउस ने उसके खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया था, उसके बाद भी उसको पूरे हरियाणा का टेंडर स्टेट लेवल पे दे दिया जाता है, तो क्या मानेंगे आप? हमारा मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, हमारा प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, जिन्होंने ऐसे लोगों को पाल रखा है। तो आगे लोग तो होंगे ही होंगे, लोग सड़कों पे हैं, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर लोगों की प्रॉपर्टी आईडी गलत कर दी गई है। भाई, अपना मकान आप खरीदने से पहले भी सरकार से पूछोगे और बेचने से पहले भी इनको टैक्स दोगे, तो कहां के स्वतंत्र रहे हम? हमारी नागरिकता को धीरे धीरे प्रजा में बदला जा रहा है, लोगों को गुलामी की तरफ धकेला जा रहा है, तो अपनी आवाज तो खुद उठानी ही पड़ेगी और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी, इसलिए आज हम लोग सड़क पे हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी का सर्वे गलत, उसको ठीक कराने के लिए आप निगम को पैसा दो, अनपढ़ लोग धक्के खाए, अटल सेवा केंद्रों पे जाके वहां ब्लैकमेल हुए, उसके लिए परेशान है। कोई भी अपने प्रॉपर्टी को सही कराने के लिए भी निगम में रिश्वत भी चल रही है, 10-10, 15-15 हजार लेके भी ठीक कर रहे हैं उसको। उसके बाद आधा अनअप्रूव्ड में कर दिया, मकान बेचा आधा अप्रूव्ड में, अलग अलग तरह के टैक्स, सफाई टैक्स।